सो फिलहाल मस्त अपना तरबूज आ चुका है एंड ये सब ना ऊपर में मैंने चीनी डाल रखा है, काला नमक एंड चीनी, बिकॉज पता नहीं यार क्यों मुझे चीनी के बिना तरबूज खाने में मज़ा ही नहीं आता है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का सीन बहुत ही मस्त वाला हो रखा है, बहुत ही लेट हो चुका है आज का डे, बिकॉज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग 11:30 बजे। अभी ना जस्ट 11:30 बज चुका है एंड मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया। एंड लेट क्यों हुआ पता है, मतलब इससे भी लेट मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, बट आज थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लेट क्यों हुआ मैं बताता हूँ यार। थोड़ा बोलते बोलते ना थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का आदत हो गया है, ठीक है। सो कोई नहीं, फिलहाल आज सुबह ना उठते उठते भाई टाइम तो ज़्यादा हो गया था, 8:30 बजे मैं उठाई था। ओके, उसके बाद ना एक दो काम निपटाने के बाद भाई मुझे ना डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया था किसी काम से, ठीक है। मतलब डॉक्टर के यहाँ किस काम से जाते हैं वो तो मतलब हल्का सा लग गया था, इसकी वजह से मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया। एंड डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद ना मस्त अपना नहाना धोना भी हो चुका मस्त। भाई साहब अभी नाश्ता नहीं हुआ है, अभी नाश्ता करना बाकी है। तो हाँ अभी ना चलता है मस्त गर्मा गर्म नाश्ता वास्ता करते हैं, भूख तगड़ा लग गया है, सुबह से मैंने एक कप चाय भी नहीं पिया यार। मस्त अपना गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, पूरी भुजिया आलू एंड मुनगे का सब्जी, भाई रात का बचा हुआ मोमोज भी है। तो हाँ अभी ना फटाफट से मस्त गर्मा गर्म नाश्ता निपटाते हैं भाई। फिलहाल मस्त अपना नाश्ता पानी तो हो चुका है, नाश्ता वास्ता करने के बाद ना अभी मुझे एक काम आ गया है कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का, बिकॉज वहाँ पे ना कुछ सामान पहुँचाना है। तो बस फटाफट से जाते हैं, सामान पहुँचाते हैं, थोड़ा सा निरीक्षण करते हैं एंड फटाफट से वापस आते हैं भाई। तो यार फिलहाल आज रड का काम चल रहा है, आप चेक करो उधर ना सारा रड ऊंचा ऊंचा हो गया है, उतना ऊंचा ऊंचा आ जाएगा अभी अभी। और इधर रड का बंधाई चल रहा है एंड इधर रड भी साथ साथ बंधा रहा है। बाकी कल ना भाई ये वाला मिट्टी गिर रहा था इस साइड में, जो कि अभी ये मिट्टी इधर से अभी इसमें जाएगा, अभी इसमें लाना बाकी है। कल इसी का काम चल रहा था जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, बट आज मैंने दिखा दिया, ठीक है। बाकी कल और आज का मेकअप हो गया। फिलहाल अभी जस्ट हो चुका है 4:00 एंड भाई साहब पता है क्या, कंस्ट्रक्शन साइट से तो मैं कब का ही आ चुका था, साइट से आने के बाद ना लिटरली मैं सो गया, मतलब पता नहीं क्या हुआ अचानक से हेडेक स्टार्ट हुआ, मैंने पेन किलर लिया एंड मैं सो गया। भाई अभी जस्ट मैं सो के उठा ही था कि मैं क्या देख रहा था, मम्मी मस्त तरबूज काट रही थी एंड आँखों के सामने तरबूज कट रहा हो एंड मैं ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी मस्त तरबूज एंजॉय करता है भाई। फिलहाल मस्त अपना तरबूज आ चुका है एंड ये सब ना ऊपर में मैंने चीनी डाल रखा है, काला नमक एंड चीनी, बिकॉज पता नहीं यार क्यों मुझे चीनी के बिना तरबूज खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो हाँ अभी ना तरबूज एंजॉय करते हैं। फिलहाल अभी जस्ट अपना तरबूज ख़त्म हुआ ही था कि मम्मी मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बना के लेके आ गई यार। एंड वैसे भी आज ना सुबह से मैंने एक भी कप चाय नहीं पिया है, तो मैं ना तरबूज खाने से पहले चाय बनाने ही जा रहा था, बट कोई नहीं अब आ ही गया तो फटाफट से चाय निपटाते हैं, नहीं तो चाय ठंडा हो जाएगा भाई। फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं 9:00 एंड चाय वाय पीने के बाद ना भाई आज क्या हैवी वाला दिन गया है, मतलब चाय वाय पिया मैंने वहाँ तक तो सही है, ठीक। उसके बाद मेरा मोबाइल हो गया डेड, मतलब बैटरी हो गया लो। मैंने मोबाइल को लगाया चार्ज पे, मैंने छोटी का मोबाइल उठाया एंड मैं चला गया भाई यहाँ वहाँ नहीं, औरंगाबाद डेयरी नहीं, सासाराम बाइक से निकल गया यार। एंड मतलब कुछ काम था, इतना भयंकर काम था ना भाई, अगर आज नहीं होता ना तो मतलब मैं क्या होता हूँ, क्या क्या हो रहा था, मतलब उस काम को लेकर इतना ज़्यादा परेशानी चल रहा था, इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा था ना मेरे लाइफ में, मतलब मैं क्या बताऊँ। आज फाइनली मैं टेंशन फ्री हुआ हूँ, दिल से खुश हूँ कि मैंने एक बड़ा काम निपटाया है। एंड हाँ टाइम आने पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने कौन सा बड़ा काम निपटाया है, मैंने क्या किया है, बट अभी काम पूरा कंप्लीट हुआ ही है, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी भी है, बट हाँ जो मेन टेंशन था वो ख़त्म हो गया। एंड इतना सारा चीज़ करने के चक्कर में पता है क्या भाई, मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाया, मतलब मैं यहाँ से छोटी का मोबाइल लेके गया, वहाँ से आया एंड छोटी का मोबाइल भी मैं इसलिए लेके गया था ना कि घर पे बता सकूँ मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये काम हो चुका है, ये इसके लिए। एंड इतना भयंकर वाला मेरा दिन गया आज, इतना टेंशन वाला दिन गया। एंड पता है क्या, सब चीज़ चाय पीने के बाद हुआ, चाय पीने से पहले ना ही कोई टेंशन था, ना ही कोई मतलब मुझे लग रहा था आज तो होने वाला है नहीं, अब एक दो दिन के बाद होगा, बट सडनली मुझे कॉल आया एंड सारा काम निपटाना पड़ा। बाकी अभी जस्ट मैं आ ही रहा था तो अपने लिए मस्त गर्मा गर्म चिल्ली पनीर वनीर पैक करवा के लेके आया था, तो अभी ना चलते हैं मस्त गर्मा गर्म डिनर करते हैं, बिकॉज भूख तगड़ा लगा है, आज बहुत ही टेंशन वाला दिन गया है, तो फटाफट से डिनर विनर निपटाते हैं भाई। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म डिनर आ चुका है, रोटी चिल्ली पनीर एंड सैलेड। तो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म डिनर एंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल मस्त अपना डिनर विनर सब हो चुका है एंड अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा,
अगर ब्लॉग अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी आप जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट। बाकी कल ना ये वाला मट्टी गिर रहा था इस साइड में, जो कि अभी ये मट्टी इधर से अभी इसमें जाएगा, अभी इसमें लाना बाकी है। कल इसी का काम चल रहा था जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, बट आज मैंने दिखा दिया है। ठीक है, As the chemicals that take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.